सवाल नंबर तीन। और गढ़ों का पानी किस काम में लाया जाता है? जवाब गढ़ों के पानी को किस जानवर पीते हैं? और इससे खेत भी सींचे जाते हैं। तालाबों और गढ़ों के पानी को जानवर पीते हैं और इससे खेत भी सींचे जाते हैं। अलिफ और बे को मिलाकर जुमले का मुकम्मल करो। पानी हमारी जिंदगी के लिए जमीन के अंदर के पानी को हम गंदे पानी को पीने
इस तरीके से अलिफ और पे बना हुआ है। तो अब मिलाना है कि पानी हमारे जिंदगी के लिए क्या है? इंतहाई जरूरी है। जमीन के अंदर के पानी को हम नलों के जरिए निकालते हैं। तो यहां से ये ऐसे हो जाएगा। गंदे पानी को पीने से मुख्तलिफ बीमारियां हो जाती हैं। इस तरीके से आप लोग बना लीजिएगा। उसके बाद अब आई बात नंबर 3 का। सही लफ्ज के सामने सही और तो पानी नदी जिंदगी जरूरी बारिश तालाब पाक वजू। ये सही लिखा हुआ है, ये सही लिखा हुआ है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, ये गलत है। इस तरीके से आप लोग अपने किताब में या अपनी कॉपी में निशान लगा लीजिएगा। अब ये तो आपकी किताब में है। कुछ ऐसी चीजें कि जो इस किताब में नहीं है, मसलन यहाँ सही और गलत लिखा हुआ था, तो इसका मतलब ये है कि इसके जरिए से हम अपने इमला को दुरुस्त करेंगे। तो अब यहाँ पानी लिखा हुआ है, ये नदी लिखा हुआ है, ये गलत है, तो अब गलत है तो सही क्या होगा? तो अब सही इस अंदाज से लिखें कि पहला जिंदगी है गलत, तो जिंदगी लिखिए इस अंदाज से। तालाब है तो इस तरीके से लिखिए तालाब। बारिश बारिश इसमें नुकता नहीं है, सिर्फ सीन है, इसी वजह से गलत है। यहाँ बारिश नुकता होना चाहिए। वजू यहाँ जीम है, यहाँ ज़ाद है, तो इस अंदाज से सही होगा। चलिए आज इतना ही। अगर कुछ ना समझ में आए हो तो मालूम कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 74-88-31-52-56। मेरा नाम रहमत अली,